सिवान बालगंज के तीन युवकों की हुई दर्दनाक मौत। महाराष्ट्र में हुए हादसे में चले गए तीनों की जान। बिहार के सिवान जिले के जामो बाजार थाना क्षेत्र के हरिहरपुर कला गांव निवासी दो और गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के पिपरहिया गांव निवासी एक युवक की शनिवार की सुबह महाराष्ट्र के भंडारा जिले के नेशनल हाईवे संख्या 6 पर सिकरी फाटक के समीप सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतकों में हरिहरपुर कला निवासी दिलीप सिंह के 27 वर्षीय पुत्र मुरारी कुमार सिंह, प्रभु प्रसाद के 25 वर्षीय पुत्र शत्रुघ्न कुमार और गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के पिपरहिया निवासी हीरा लाल प्रसाद के 22 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार शामिल है। मौत की सूचना मिलने के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। उनके पास से मिले पहचान पत्र से उनके बारे में परिवार वालों को घटना के संबंध में सूचना दी गई। जानकारी के मुताबिक घटना की सूचना के बाद पास में ही रहने वाले मुरारी के भाई पंकज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और ट्रक में फंसे शवों को जेसीबी की सहायता से निकाला गया। पुलिस ने सभी कागजीय प्रक्रिया पूरी करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भंडारा लेकर गई। बताते चले कि सड़क दुर्घटना में दिलीप सिंह के 27 वर्षीय पुत्र मुरारी कुमार सिंह के मौत की सूचना मिलने के बाद से परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। उसकी शादी 3 वर्ष पूर्व हुई थी। उसे 1-2 वर्ष और 1-1 वर्ष का बच्चा भी है। घटना की जानकारी होते ही पत्नी काजल देवी और माता उमा देवी का रो रो कर बुरा हाल था। मुरारी डेढ़ पूर्व ही घर पर आया हुआ था और कहा गया था कि फिर जल्द ही गाँव आएंगे। तब तक परिवार वालों को दुखद घटना की सूचना मिल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के लोगों और रिश्तेदारों के दिन भर भीड़ लगी रही। हर कोई परिवार के सदस्यों को संतावना देते नजर आया। घर पर मातम का माहौल रहा। बताया जाता है कि शुक्रवार की शाम ट्रक चालक मुरारी शत्रुघ्न और सह चालक रोहित छत्तीसगढ़ के रायपुर से लोहे का सामान लेकर ट्रक से गुजरात के बाटी शहर के लिए निकले। ट्रक को शत्रुघ्न चला रहा था। ट्रक महाराष्ट्र के भंडारा जिले के नेशनल हाईवे संख्या 6 पर सिकटी फाटक के समीप पहुंचा था। इसी दौरान अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक वाहन से टकरा गया। इससे मौके पर ही मुरारी और रोहित की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल शत्रुघ्न को इलाज के लिए नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उसने भी दम तोड़ दिया। दो शवों का पोस्टमार्टम भंडारा में तो एक का पोस्टमार्टम नागपुर में कराया गया है। हादसे की सूचना के बाद तीनों युवकों का परिवार महाराष्ट्र पहुंच चुका है। परिजनों के अनुसार वे लोग शव को लेकर वहां से निकल चुके हैं। बताया जा रहा है कि रविवार की रात तीनों का शव गांव पहुंचेगा। यहीं सबका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मृतक शत्रुघ्न कुमार 3 भाइयों में सबसे छोटा था। वहीं अपने घर का कमाऊ सदस्य था। उसकी मौत के बाद से परिवार वालों के बीच बेचैनी है और उसके टोला में शोक का माहौल है। उसकी शादी 4 वर्ष पूर्व ही हुई थी। उसे 1-3 वर्ष की लड़की है। मौत की सूचना मिलने के बाद पत्नी शोभा देवी और माता रामावती देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिजनों ने बताया कि शत्रुघ्न कुमार का अंतिम संस्कार बाहर में ही होगा क्योंकि शव को मंगाने पर काफ़ी खर्च है। उसके बड़े दो भाई सिपाही प्रसाद और गुड्डू प्रसाद मजदूरी करते हैं, तो वहीं पिता प्रभु प्रसाद लंबे दिनों से बीमार चल रहे हैं। मृतकों में शामिल गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के पिपरहिया गांव निवासी रोहित कुमार मौसेरा भाई था। हादसे के बाद से परिवार वालों का हाल बेहाल है। सभी में बेचैनी है। बहरहाल देखते रहिए वन न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।